चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सब लोग? सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया और आपको बता नहीं पाया, इसके लिए माफी चाहेंगे। ओके, आप सब लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जो लोग वेट कर रहे हैं उनसे कह दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक बार बैक होके वापस आ जाएं, और जो लोग जा चुके हैं एक बार उनको शेयर कर दीजिए। मैंने टेलीग्राम में भी आज शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अरे भाई कहाँ ऐड आ गया, एक सेकेंड यार, मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। ध्यान से ही उतर गया था मैं आपको बताने के लिए, बताना, और वो हमारे पंडित जी आ गए थे तो वार्तालाप लंबी चौड़ी हो गई। चलिए तो दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, एक सेकेंड और दीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, क्लास का भी जय श्री गणेश करते हैं, ठीक है? हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी, सबसे पहले तो हम उन्हीं को मनाते हैं, और आज उनका अगर दिन है तो भाई आज तो बनता है उनका, ठीक है? सॉरी यार, सब माफ कर दीजिए, एक बार थोड़ा सा लेट हुआ और मैं आपको बताना भूल गया। एक्चुअली बता दिया अभी मैंने आपको पूरी बात, फिर भी मैं दोहरा दूं। शुरू करें क्लास को? ओके, तो सबसे पहले आप लोग परफेक्शन अकेडमी 2.0 दूसरे वाले चैनल से जुड़ जाएं, और परफेक्शन अकेडमी को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ जो नोटिस होता है, नई कोई सूचना होती है, वो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप वहां जुड़ जाए। परफेक्शन अकेडमी जहाँ डाउट ग्रुप, परफेक्शन अकेडमी पीडीएफ जहाँ पीडीएफ, और ये सारी जितनी भी बातें मैंने बताई वो, और परफेक्शन अकेडमी क्विज जहाँ क्विज होता है। चलिए तो आज का ये मोटिवेशनल थॉट, और इसी के साथ हमारी क्लास की शुरुआत, कि सफल होने के लिए दो काम जरूरी है। सफल होने के लिए दो काम करना बहुत जरूरी है, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा। भाई खुद से वादा कर रखा है और मेहनत ज्यादा कर रहे हैं तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए। खुद से वादा कर लो कि मुझे ये करना है, और मेहनत थोड़ी सी ज्यादा कर लो कि मुझे ये करके रहना है बस, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले सारे बैचेस आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिल जाएंगे, आप इनके बारे में जानकारी ज्यादा जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां जाके ले सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक थॉट था, अगर हर थॉट को अगर हम देखें अपने नजरिए से तो हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही है। ओके, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सही विकल्प को चुनना है। जल्दी से सही विकल्प को चुन के बताएं क्या होगा, बता। ए डैश सी ए सी, बी सी डैश बी ए सी ए, डैश डैश बी। चलो अगर मैं इसको यहां लिख देता हूं कि ए डैश सी ए सी बी सी डैश बी ए सी ए और डैश डैश बी, क्या है कि यार धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें जहां कोई संत मिल जाए, महात्मा मिल जाए, हम उनके चरणों की सेवा करने से चूकते नहीं है। और अभी जो भागवत कथा के जो जिनके द्वारा मुखारविंद से भागवत कथा हो रही है अपने यहाँ, वही गुरु जी घर में बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे, तो बातों का पता ही नहीं चला कि कब समय हो गया। मैंने मोबाइल देखा, किसी का मैसेज आया था, तो मुझे पता चला कि अरे बाप रे, टाइम हो गया है 6:41 और अब मुझे क्लास लेनी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए बताएं क्या होगा, पहले तो टोटल काउंट कर लें, पैर बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15, टोटल लेटर हो रहे हैं आपके 15। अगर टोटल लेटर हैं आपके 15 तो 15 को आप कितनी बार में डिवाइड करेंगे, कितनी बार में उनको पैर में तोड़ेंगे आप? भाई 5 के पैर में तोड़ते हैं, हाईएस्ट नंबर,
पांच तिया पंद्रह, अगर हम पांच पांच के पेयर में इनको तोड़ें तो दो दो चार और एक पांच, दो दो चार और एक पांच और पीछे के पांच, ठीक है, तोड़ दिए हमने पांच पांच के पेयर में। अगर हम सच में पांच पांच के पेयर में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जरा देखो सारे ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं स्टार्ट करने के, बी बी और एसी। बी रख के देखते हैं क्योंकि दो बार बी है ना, बी को रख के देखा, ए बी सी ए सी, बी सी के बाद आता है ए, तो बी सी बी सी ए बी ए हो सकता है, और सी ए के बाद आता है बी, तो सी ए बी ए बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए हो क्या रहा था, ए बी सी, ये ए बी सी का आगे का क्रम बी सी और उसके बाद ए, और ये सी ए और बी, हुआ क्या कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला लेटर था वो और लास्ट वाला लेटर, स्टार्टिंग वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर, स्टार्टिंग वाला लेटर मतलब सी बी आएगा और लास्ट वाला लेटर बी, ये आपका एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिख लीजिए ए बी सी ए सी, बी सी ए बी ए, सी ए बी सी बी। तो कहिए भाई साहब बी ए बी सी कहाँ दिख रहा है, बी ए बी सी ऑप्शन नंबर दो में दिख रहा है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया था बिल्कुल सत्य आंसर है, आप सभी का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पान का संबंध चबाना से उसी प्रकार फुटबॉल का संबंध किससे होगा, चलिए बताएं। पान का संबंध अगर चबाने से है तो फुटबॉल का संबंध किससे होगा, पान सब लोगों को पसंद होंगे, आए भी होंगे, तो पान का संबंध चबाने से, भाई पान का मजा कब है, खाली मुंह में रखने से नहीं, चबाओगे तो और मजा आएगा, तो पान का मतलब या पान का संबंध अगर चबाने से है तो फुटबॉल का संबंध किससे होगा, खेल से, रन से, रोल से या किक मारना। भाई जाहिर सी बात है पान को हम चबा रहे हैं, पान के साथ कोई मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ फुटबॉल के साथ भी कोई मूवमेंट होगा ना, आप किक मारोगे तो फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह उछल कर जाएगी। खेल तो भैया ठीक है यार, पान भी खाने की चीज थी ऐसा कह सकते थे, रन तो ऐसे इसमें होते नहीं है, रोल कोई भैया रोल वोल छोड़ दो आप, तो किक मारना सबसे बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका को दाईं ओर चार स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है, तो पंक्ति में दाएं छोर से उसका पुराना स्थान बताएं, क्या होगा उसका पुराना स्थान दाएं छोर से, बिल्कुल किक मारना करेक्ट आंसर, गणपति बप्पा मोरिया। अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास स्टार्ट हुई है, डोंट वरी, जो लोग लेट ज्वाइन हुए कोई बात नहीं, मैं ही लेट हो गया था आज। तो 21 लड़कियों की एक पंक्ति, देखो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता है, मोनिका कहीं बैठी हुई थी बेचारी, उसको क्या किया उठाया और कहा कि चल दाईं ओर चार स्थान खिसक जा, ये होता है दाएं छोर, तो दाईं ओर उसको जब चार स्थान स्थानांतरित किया गया, चार स्थान जब मोनिका को चार स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाए तो वह बाएं छोर से हो जाती है 12वें नंबर पर, ये होता है ना बायां छोर लेफ्ट हैंड साइड, तो बाएं छोर से मोनिका की नई पोजीशन जो है वो कितनी हो जाती है 12, मोनिका की जो नई पोजीशन है वो हो जाती है 12। फिर इसने कहा कि पंक्ति में दाएं छोर से उसका पुराना स्थान बताओ, भैया दाएं छोर से पुराना स्थान बताओ, मोनिका कहां बैठी हुई थी, मतलब कि ये वाला स्थान, और अगर आप मोनिका का ये वाला स्थान बताना चाहते हो तो एक बात बताओ, टोटल यहाँ एम डैश तक पोजीशन है 12 और ये बीच में लोग बैठे हैं 4, तो 12 में से 4 गया तो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन आ गई ना 8, अरे कह सकते हो कि ये 8 और ये 4 मिलकर वो ऊपर वाला 12 बना लेंगे, तो भैया जब हमें मोनिका की पोजीशन पता चल गई कि एक तरफ से 8वें नंबर पर 12, तो आपका यहां से यहां तक टोटल आ गया, मोनिका की पोजीशन हमें पता चल गई कि आगे से जो है ये मोनिका 8वें नंबर पर है, तो पीछे से कितने नंबर पर है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 21। हम टोटल में से कभी नहीं घटाते, हम टोटल प्लस वन में से घटाते हैं, भैया 21 में से नहीं घटाओगे आप, 21 प्लस एक में से आप 8 को घटा दीजिए आंसर मिल जाएगा, 21 और एक कितना हो जाएगा 22, और जब 22 में से 8 घटेगा तो क्या आ रहा है करेक्ट आंसर, अरे क्या बात है 14 आ रहा है भाई, 22 में से 2 गया तो 20 और 20 में से 6 गया तो 14, करेक्ट आंसर आपका 14, ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, 14 गर्ल्स यहां पर दाईं ओर से अगर देखा जाए उसका पुराना स्थान, पंक्ति में दाईं छोर से उसका पुराना स्थान 14th हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यदि किसी सांकेतिक कोड भाषा में सिस्टम का कोड ये दिया जाए और नेरर का कोड ये दिया जाए तो भैया फ्रैक्शन का कोड क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया,
चलिए, साधना जी, कंचन जी, धीरू भाई, आरफ्रिन जी, पवन जी, अन्नू जी, डिम्पी जी, अनिल जी, कमिश्नर जी, नीलेश जी, रामेश जी, शिवाजी, ज्योति जी, अर्चना जी, बहुत बढ़िया। चलिए चौहान साहब, चलते जाओ आगे। पांडे जी, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। SYSTEM, इसका कोड दिया गया है SYSMET। अब देखिए, आप कहेंगे सर SS की जगह YY की जगह, बट यहां पर सर T, E और M, ये तीनों चेंज हुए, ठीक है। और अगर हम सिर्फ इतने को देखकर अपना आंसर बताने लग गए तो हम हो जाएंगे गलत। देखना मेरे दोस्त, आप लोग सी बता रहे हो, यही तो गलती है हमारी। हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा ललचाने के लिए कुछ दिया जाता है और हम ललच जाते हैं, हमारी आदत बहुत ऐसी है। अगला वाला देखिए, NEARER, अगला वाला देखते तो सही आप, AENRER, अगले वाले में भी लालच थी। देखिएगा, ये N यहाँ शिफ्ट हुआ, A यहाँ शिफ्ट हुआ, E यहाँ शिफ्ट हुआ, ऊपर वाले का मतलब अलग था भाई। S को यहाँ शिफ्ट करने के लिए S को यहाँ शिफ्ट और Y को एज इट इज रखा था इसने, क्रॉस मल्टीप्लाई सब जगह चल रहा था, N, A और E। देखिए ये R भी यहाँ शिफ्ट, R भी यहाँ शिफ्ट और E यहाँ शिफ्ट। अब कितने लोगों ने अपने आंसर को चेंज किया, यहाँ तो समय था, एग्जाम में समय नहीं मिलेगा। तो फ्रैक्शन जब आराम से वहां करना कि भैया क्या है आखिर, इतना इजी है क्या सच में? हमारी एग्जाम का नाम तो बहुत इजी है, बट क्या इतना इजी क्वेश्चन भी है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। टोटल लेटर इधर चार, इधर चार, तो भैया ये चारों के चारों विपरीत कर दीजिए, CARF और CARF यहां दिखा, CARF यहां दिखा, पीछे के चार भी विपरीत कर दो, NOIT, तो NOIT सिर्फ ऊपर वाले ऑप्शन नंबर ए में दिखा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, सारे के सारे लेटर्स को चेंज कर दिया, सारे के सारे लेटर्स मेरे चेंज। चलिए, आया बात समझ में, चले अगले क्वेश्चन पर। तो गलती ना करें, गलती बहुत सारे लगभग सभी लोगों ने की थी, कुछ लोगों ने ध्यान दिया था। ए प्लस बी का मतलब दिया हुआ है ए मल्टीप्लाई बी का मतलब, और ए माइनस बी का मतलब दिया हुआ है आपको, एक समीकरण दी हुई है पी क्रॉस क्यू माइनस एस, इसका मतलब क्या होगा? गुड इवनिंग निधि जी, सिस्टम ने गलत करवा दिया। देखो पी क्रॉस क्यू, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, फटाफट कर लीजिए। क्रॉस का मतलब कहा आगे वाला बेटा, तो पी को बेटा बनाओ क्यू का जल्दी से। फिर माइनस Q माइनस एस, माइनस का मतलब आगे वाली पत्नी, तो Q पत्नी हो जाएगी पीछे वाली की, Q पत्नी हो गई पीछे वालों की। अब देखो सारे के सारे ऑप्शंस जब देखे गए तो भैया हमें इसमें से सत्य कौन सा कथन है वो बताना है। P बेटा है इनमें से, कहीं दिया हुआ है P बेटे का, देखो ये बेटी दी हुई है तो गलत, P बेटे का कहीं नहीं दिया, छोड़ दो। भैया एस पिता है, आप देखेंगे एस पी का पिता, बस ऑप्शन नंबर दो करेक्ट। जब छोटे छोटे हमारे पास तीन ही तो लोग थे, कोई किसी का बेटा, पत्नी और पति या पिता हो सकता है, तो हमने इन चारों चीजों को देखा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया कि एस पी का बेटा है। भाई पी बेटी नहीं है, बेटा है, और एस जो है वो पी का पिता है, तो करेक्ट आंसर एस पी का पिता ऑप्शन नंबर बी होगा। जानबूझकर भी गलती ना करें, कुछ लोग जानबूझकर गलती कर रहे हैं, सारी चीज अपने सामने है तो फिर गलती कैसे हो रही है। ये वाला करें शब्दकोश, मतलब कि आप लोगों को डिक्शनरी क्रम में जमाना है, डिक्शनरी के हिसाब से इनको सेट करना है। सबसे पहले डिक्शनरी में आता है आपका ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी। हम तो ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं भाई, उनके स्थानीय मान लिख के करते हैं, हम हर एक लेटर का स्थानीय मान लिख लेते हैं। जैसे कि इन सब का स्थानीय मान मैं यहाँ लिखूंगा, बट एक बात ध्यान रखना, मैं जो स्थानीय मान लिखूँ उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। सारे के सारे ऑप्शन में देखा गया तो एच 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 और एच, एच सब जगह कॉमन था, क्या मतलब लिखने से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पता ही नहीं चलता सबसे पहले डिक्शनरी में कौन आता है लेटर। अगला वाला नंबर देखा तो ए, ए मतलब वन पर, ए ए मतलब वन पर, ओ ओ मतलब पंद्रह पर, ए ए मतलब वन पर और ए ए मतलब वन पर। तो देखिए ये पंद्रह तो भैया सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया, एक 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 के साथ पंद्रह, तो ये सबसे आखिरी में आएगा, इसको आगे मत बढ़ाना, हमें तो तीसरे नंबर का लेटर चाहिए। इसने पूछा कौन सा शब्द बीच में आएगा,
तीसरे नंबर का चाहिए, अगर पांच टोटल आपके पास है तो तीसरे नंबर का बीच में होगा ना, आप तो इन चारों में देख लीजिए। ए के बाद आता है एस, एस मतलब 19, ए के बाद आता है पी, पी मतलब 16, ए के बाद आता है एन, एन मतलब 14, और ए के बाद आता है एन, एन मतलब 14। एक बात और समझ में आ गई कि ये दोनों भी नहीं हो सकते, क्योंकि सॉरी इन दोनों में से ही होगा। देखो ये 14 और ये 14, एक बात बताओ 14 16 और 19 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 14। तो भैया इन दोनों 14 में से कोई एक पहले नंबर पर आएगा और कोई एक दूसरे नंबर पर आएगा, हो सकता है ये दूसरे पर आ जाए ये पहले पर, हमें इसके ऊपर बहस करनी नहीं, हमें तो तीसरे नंबर का चाहिए। और तीसरे नंबर का ये रहा भाई, 14 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 16 है। 16 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 19 है। तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर के लिए ये, क्योंकि ये दादा स्टार्टिंग में ही सबसे बाद में आया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? तीसरे नंबर का मतलब बीच का जो लेटर है वो तीसरे नंबर का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया था, तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 6 लोगों का एक परिवार है, कोई किसी की दादी, कोई किसी की माँ, कोई किसी की पत्नी और कोई किसी की पोती। जल्दी बनाएं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताएं। वेरी गुड, जिन लोगों ने भी बताया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात कह दी इसने। ठीक है, टी ए की दादी है, टी जो है वो ए की दादी मतलब ए के पिता की माँ, ए के पिता की माँ दादी हो गई, अब यहाँ पिता आएंगे इसके। और बी की माँ है, हो सकता है कि ये बी यहीं पर आ जाए, बी की माँ हो। सी डी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, तो सी को आप बी की पत्नी बना दीजिए। और एफ की माँ है, ये सी जो है वो एफ की माँ है, तो एफ की माँ बना दो इसको। एफ ई की पोती है, एफ अगर ई की पोती हुई और हमें कहा था 2 विवाहित जोड़े, तो इस डी के हस्बैंड बना दीजिए ई, क्योंकि डी की भी तो एफ पोती ही हुई और ई की भी एफ पोती ही हुई। पोती मतलब इसका जेंडर पता चल गया दोनों प्रकार से कि ये एक लड़की है। सी का ए से क्या संबंध है? बताएं सी का ए से क्या संबंध है? जिसके साथ से लगा है वो क्या कहता है? ए, ए सी को क्या कहेगा? माँ कहेगा, और माँ मतलब ऑप्शन नंबर 3 में हमारा करेक्ट आंसर मिला है, मम्मी माँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, आकांक्षा जी, मालती जी, शुभम जी, पंकज जी, दरोगा जी, सत्या पांडे जी, विष्णु जी, रेखा जी, शुक्ति जी, विजय जी, सुधा जी, सुधीर जी, मोनू जी, साक्षी जी, वेरी गुड, सभी लोगों बढ़िया। राशि जी, राधा जी, अर्चना जी, ज्योति जी, मानसी जी, सुनील जी, उमा जी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब ये क्वेश्चन ना लल्लू है, मतलब क्या हो रहा है? 1, 6 और 5, नीचे दिया है 2, 3 और 4। एक बात बताओ, अगर आप इस दो में से एक को घटा देते हो, 2 माइनस 1 तो कितना बचेगा? 1। और ये देखो फर्स्ट डिजिट आपकी 1 लिखी हुई है, यहां दिया 6 और 3, अगर आप इस 6 और 3 को माइनस कर देते हो तो कितना आएगा? 3, और ये लिखा 3। अगर आप इस 5 और 4 को माइनस कर देते हो तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 1। मतलब बड़ी वाले संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर दो, भाई 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना? 2। 9 में से 3 गया तो बचा कितना? 6। और 3 में से 1 गया तो बचा कितना? 2। तो 6 2 6 मतलब ऑप्शन 2 6 2 मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए अगला। 5 पुरुष एक समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, कंजूस हैं, एक ही समाचार पत्र को 5 लोग पढ़ रहे हैं, क्या करता है कि एक बंदा पढ़ के दूसरे को दे देता है, दूसरा वाला बंदा तीसरे को दे देता है। अब आपको बताना यह है कुछ इस प्रकार से कि किस बंदे ने किसको दिया, और हमें बताना है कि बी ने समाचार पत्र किसको दिया था। करें सॉल्व। देखो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं 5 लोग, जो पहले पढ़ता है वह उसे सी को देता है, पहले जो पढ़ता है वो दूसरे नंबर पर कौन है? सी। सी को देता है समाचार पत्र कि भाई तू पढ़ ले। फिर क्या हुआ कि जो अंतिम बार पढ़ता है वह ए से लेता है, मतलब ये लास्ट वाला बंदा जो है ये किससे लेता है? ए से लेता है, ए से लेता है। एक बंदा यहाँ बीच में, क्योंकि टोटल 5 लोग थे। क्या कहा इसने कि ई पढ़ने वाला पहला और आखिरी पुरुष नहीं है। ई कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा, पढ़ने वाली बात है, समझने वाली। बी और ए के बीच 2 पाठक हैं, बी को आप यहाँ रख सकते हैं क्योंकि बी और ए के बीच 2 पाठक हैं जिन्होंने समाचार पत्र को पढ़ा। एक बंदा बचा, ए बी सी और डी बचा, तो डी को यहां रख दो। बी ने समाचार पत्र किसको दिया? तो बी ने दिया सी को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर। सर मैंने आपको कॉल किया था देवेंद्र जी। हाँ ये वाला करें। लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर गया, अंत में पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। वह अपने घर से किस दिशा में होगा बताइए। अपने घर से अब किस दिशा में है ये बताना है। बता सकते हैं हम? बिल्कुल बता सकते हैं, करें कोशिश। देखो हमें सिर्फ दिशा पूछी है तो डायरेक्शन हम फटाफट फटाफट बनाते जाएं। हमें वो अब किस दिशा में ये बताना है। लोकेश अपने घर से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर। लोकेश अपने घर से उत्तर की ओर, ये उत्तर दिशा में ये घर था। 15 किलोमीटर लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा में चला, फिर पश्चिम में मुड़ा, मतलब 15 इधर लिख लो, फिर पश्चिम दिशा में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, अंत में पूर्व में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, पूर्व में मुड़कर 10 किलोमीटर। भैया ये 10 और ये 10 इक्वल था इसलिए लाइन टच कर दी मैंने। अब उसने कहा कि वह अपने घर से किस दिशा में है, तो वह अपने घर से ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में है। कितनी दूर है ये भी बता सकते हैं हम। आमने सामने की भुजा हमेशा समान होती है, तो ये 15 में से 5 घटाकर 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ है ये हम बता सकते हैं। हालांकि उसने डिस्टेंस नहीं पूछी तो नहीं बता रहे, बाकी हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य चंद्रमा और तारे के बीच में एक पर्याप्त वेन डायग्राम बताएं क्या होगा। सही वेन डायग्राम क्या होगा। सूर्य है, चंद्रमा है और तारा है। सूर्य चंद्रमा और तारे के बीच में एक प्रयुक्त वेन डायग्राम, वेन आरेख क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा हमने एक बात तो सुनी है कि सूर्य भी एक तारा होता है, और जब सूर्य भी एक तारा है मतलब हम ये कह सकते हैं कि तारे के अंतर्गत कौन आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा। और ये बात सिर्फ सुनी नहीं है, ये सत्य है भाई। जिस प्रकार बाकी के तारे होते हैं उस प्रकार सूर्य भी एक तारा है, बट चंद्रमा जो है वो एक क्या है, एक उपग्रह है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ये तारा वारा की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए आपका डेफिनेटली राइट हो जाएगा। क्या सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए की तरफ रुख किया था? नहीं, आपका चंद्रमा और सूर्य दोनों तारे नहीं है, चंद्रमा तारा नहीं है, ध्यान रखना, चंद्रमा बिल्कुल तारा नहीं है, सूर्य अकेला तारा है, ठीक है। हाँ सन स्टार होता है। चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को ना जरा ध्यान से करना, एक मिनान से करना, गलती ना हो जाए इस प्रकार से करना, पढ़ लेना तो कर लोगे आप। जेड से ए तक क्रम में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को क्रमशः, ध्यान से, जेड से ए तक क्रम में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को क्रमशः, क्रमशः कह दिया मतलब जेड से स्टार्ट करके ए तक, एक से लगाकर 26 तक मान दिया जाए, तो आपको भैया इस शब्द के टोटल कुल मान कितना होगा ये पूछा है, टोटल बताओ। अरे क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। बताया किसी ने? करें इसको सॉल्व। जेड से लगाकर ए तक चलना है, मतलब कि जेड डैश 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 और उल्टी गिनती चलनी है ए तक, पर हमें पता है कि क्रमशः 1 2 लगाकर 6 तक चलना है। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, मतलब कि एक से लगाकर आपको 26 तक, मतलब आपको सिंपल सी भाषा में अगर समझाएं तो कुछ ऐसा कहा है कि आपका जो ए है ना वो ए नहीं रहा, वो जेड बन गया। मतलब ए का स्थानीय मान एक होता है, अभी फिलहाल जेड का है, और ए का स्थानीय मान एक तो वो जेड का है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो स्थानीय मान पूछा है ना उसका आप रिवर्स कर दीजिए, उसका आप अपोजिट कर दीजिए। ये मैं पूरा की पूरा लिखूं, समझेंगे आप बात को। सी थ्री पर देखो मैं पूरा लिखता हूं, सी ओ एन एस ई क्यू यू ई एन सी ई, आपको इन सब के स्थानीय मान लिखने हैं, बट वो विपरीत क्रम वाले, सी को सी का नहीं एक्स का स्थानीय क्रम लिखिए, चॉइस। ओ का अपोजिट एल होता है ना, तो एल लिखो 12 पर आता है। एन का अपोजिट एम होता है, तो एम आ जाएगा 13 पर। एस का अपोजिट एच आ जाएगा, और एच आ जाएगा आपका 8 पर। ई का अपोजिट वी, इवनिंग, वी आ जाएगा 21, नहीं सॉरी 22 पर। क्यू का अपोजिट हो जाएगा एफ, क्यू का अपोजिट हो जाएगा जे, जेब कतरा होता है।
तो ये आ जाएगा 10 पर यू का अपोजिट हो जाएगा एफ, एफ मतलब फू। 6 पर ई का अपोजिट हो जाएगा वी, इवनिंग मतलब 22 पर। इसी प्रकार बाकी सबके भी आप लिख लीजिएगा, एम का एन मतलब 13 पर, टी का आ जाएगा एक 6 मतलब कि आपका 24 पर, और ई का आ जाएगा वी मतलब कि फिर से 22 पर। ये सब जोड़ने थे, और अगर ये सब जोड़ लिए तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लास्ट डिजिट कभी कभी काम कर जाता है, हालांकि यहाँ नहीं करेगा, 2 बार 6 है, फिर भी करते हैं। 4, 2, 6, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 11 और 6, 17, 18, 19, 20, 20 और 8, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 की 6 हासिल लगा भैया। 3, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 176, 176 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। क्या किया हमने, जितने भी स्थानीय मान थे उनको अपोजिट क्रम में लिखा, क्योंकि जेड वैसे तो 26 पर आता है पर उसका स्थानीय मान 1 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा तो समझ में आ गया था ना, 176 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, सिर्फ कैलकुलेशन थी पिछले वाले क्वेश्चन में, जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, यदि इन शब्दों को शब्दकोश के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द बीच में आएगा। अभी 2 से 3 प्रश्न पहले भी ऊपर गए थे, अभी जो 2 से 3 प्रश्न पहले भी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन को देखा है, क्या था वहां पर, सेम टाइप था। अगर हम ध्यान से देखें तो CRU कॉमन है, तो CRU को हमें नहीं लेना है। इसके आगे वाले लेटर के स्थानीय मान लिख लीजिए और पता कर लीजिए कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। I आता है 9 पर, P आता है 16 पर, S आता है 19 पर, D आता है 4 पर और M आता है 13 पर। देख लो यार भाई, सारे के सारे लेटर ही उल्टे उल्टे, मतलब सारे नंबर ही अलग अलग आ गए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4, तो ये आएगा सबसे पहले। उसके बाद नंबर 4 से बड़ा अगर कोई नंबर है तो वो है 9, 9 वो आ जाएगा दूसरे नंबर पर। अब 16, 19 और 13 में से इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर 5। हमें तीसरे नंबर का पूछा था, चौथे का पूछता तो क्या बताते, ऑप्शन नंबर 2। पांचवे का पूछता तो क्या बताते, ये आ जाएगा चौथे नंबर पर और ये आ जाएगा आपके पांचवे नंबर पर। ये सारे नंबर लिख दिए मैंने। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में, ऐसे ना आपको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, 2, 4, 5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 1, 3, कुछ भी ऑप्शन में आ जाए तो आपको क्या आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बताना है, बता सकते हो 2, 4, 5, 1, 3 या 2, 4, 5, 1, 3, जो भी आपका ऑप्शन रहे उस हिसाब से। अवरोही क्रम तो समझते हैं ना, अवरोही आरोही। देखो अवरोही में टोटल कितने लेटर से मिलकर बना है, ये शब्द कितने अक्षर से मिलकर बना है, अवरोही 4 से मिलकर, आरोही 3 से मिलकर। मतलब मैं पूरी पर्याप्त यहां पर हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अवरोही में 4 लेटर और आरोही में 3 लेटर। अब भाई यार 4 ज्यादा होता है, 3 कम होता है, दोनों को इक्वल करने के लिए 4 में से कुछ घटाना पड़ेगा, और 4 में से अगर कुछ घटाना होगा तो मतलब समझ जाना घटते क्रम में, और 3 को 4 के इक्वल लाने के लिए कुछ बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब समझ जाना बढ़ते क्रम में। ये सिंपल सा लॉजिक अपनी तरफ से गिफ्ट। चलिए, प्रत्येक संख्या को अंकों का स्थान उलटने पर प्राप्त संख्याओं में दूसरी महत्तम संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा, बताएं। ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर अच्छा लगा हो ये तरीका तो, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, पीडीएफ वहां मिल जाएगी, क्लास की लिंक भी डेली वहां मिल जाएगी, जिस जिस क्लास की लिंक, जिस जिस क्लास का टाइम होगा वो 5-10 मिनट पहले लिंक अपने आप सेंड कर देंगे सर, आपको मिल जाएगी, और नोटिस भी सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक बार सभी दम लगाकर एक बार लाइक ठोक दीजिए जल्दी से, समझ में आ रहा हो तो। अरे कपिल यादव जी, आप पढ़ने आए हो कि बात करने आए हो, श्रुति जी बढ़िया है, आप अपना काम करो ना भाई। प्रत्येक संख्या के अंकों को स्थान अगर आप उलट देते हो तो दूसरी महत्तम संख्या मतलब बड़ी, महत्तम मतलब बड़ी, बड़ी संख्या दूसरे नंबर की कौन सी होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आप देखो तो 738, 429, 156, 273 और 894,
अगर आप इनके स्थानीय मान को उलटते हो तो कितना आ जाएगा, 837। ये आपने चेंज कर दिया, चलो दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। ये आपने पूरी की पूरी संख्या का स्थानीय मान चेंज किया, 8 को आगे, 3 को बीच में, 7 को पीछे। इसको लिखेंगे 924, फिर 651, 372 और 498। ये आपने पूरी की पूरी संख्या का क्रम ही उलट दिया। इसने कहा था महत्तम संख्या दूसरे नंबर पर, मतलब बड़ी संख्या दूसरी हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो 924 जो है वो तो पहली हाईएस्ट नंबर है और 837 जो है वो दूसरी हाईएस्ट नंबर है। पर ये पूरी भी नहीं बतानी थी, इसका अंतिम अंक कौन सा होगा, तो अंतिम अंक है केवल 7। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, 7, सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन आया है क्लॉक का, कि बस स्टॉप पर जाने के लिए अजय सामान्य से 15 मिनट पहले घर से निकला। जो लोग पेड स्टूडेंट है वो उन लोगों को तो समझ गए होंगे सारे के सारे के, हाँ सर, सामान्य से 15 मिनट पहले घर से निकला और स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, मतलब घर से जो बस स्टैंड जहां पर बस रुकती है ना स्टॉप, वहां तक का समय कितना है, 10 मिनट का। 8:40 AM पर स्टॉप पर पहुंचता है और आमतौर पर वह बस स्टॉप के लिए घर से कितनी बजे निकलता है, आपको यह बताना है। चलिए बताइएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, कर पाएंगे हम। बस स्टॉप जाने के लिए अजय सामान्य से 15 मिनट पहले, मतलब कि मान लीजिए आप डेली अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज कहीं भी जाते हो, तो आप ना 9 बजे डेली निकलते हो कहीं जाने के लिए, पर आज आपको 9 बजे नहीं जाना था, आप सामान्य से 15 मिनट पहले निकले, मतलब कि 8:45 पर निकल गए। तो सामान्य से मतलब सामान्य डेली रोज कितने बजे जाते थे, 9 बजे, पर आज गए आप 15 मिनट पहले 8:45 पर। तो भाई साहब आपको घर से स्टेशन जाने के लिए लगते हैं 10 मिनट, आप 15 मिनट पहले क्यों निकले, CID बन जाओ आप, तो बताओ क्यों निकले आप 15 मिनट पहले, कुछ खास वजह होगी, कर दें सोल्व। 8:40 पर भैया वो स्टॉप पर पहुंच गया, समझना, 8:40 पर वो स्टॉप पर पहुंच गया और घर से स्टॉप के लिए कितना समय लगता है, 10 मिनट, 10 मिनट घटा दीजिए। आप कहेंगे सर 8:30 बजे वो घर से निकला, ये 8:30 बजे वो है जब वो 15 मिनट सामान्य से 15 मिनट पहले निकला था, समझ रहे हो कि भैया सामान्य 9 बजे निकलता था, आप 8:45 पर पहुंचे और 8:40 तक लगभग आप पहुंच गए। मतलब समझने की कोशिश करो कि सामान्य डेली वो 8:30 बजे घर से नहीं निकलता है, 8:30 बजे डेली घर से नहीं निकलता है, आज निकला घर से 8:30 बजे और वो 8:40 पर कहाँ पहुंच गया, बस स्टॉप पर पहुंच गया। तो इसने पूछा है कि आमतौर पर, भाई पूछा है कि डेली वो बस स्टॉप पर कितनी बजे, सॉरी आमतौर पर वह बस स्टॉप के लिए घर से कितनी बजे निकलता है, आज स्पेशल डे था, समझ रहे हो, 8:30 बजे वो आज ही गया है, तो आप 8:30 बजे में से 15 मिनट घटाओ, वो डेली 15 मिनट बच जाता है। या सॉरी देखिए, इसने कहा कि सामान्य से 15 मिनट पहले, मतलब कि ये जो समय है ना ये 8:30 बजे पहले चला गया, आप 15 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8:45, वो डेली 8:45 पर निकलता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आया समझ में, डेली निकलता है 8:45 पर आज निकला 8:15 मिनट पहले, मतलब 8:30 पर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पर बढ़िएगा। ये असमानता, ठीक है, इस चैप्टर का नाम किसी ने पूछा था शायद पिछली क्लास में, इसका नाम है असमानता, इनइक्वालिटी। चलिए कीजिएगा सर, मेरे यहां पर भी डीजे बज रहा है, गणेश जी आ गए हैं मोहल्ले के। अच्छा कंचन जी, समझने की कोशिश करो, आप डेली 8:30 बजे घर से निकलते हो, ठीक है, सॉरी आप डेली 8:45 से घर से निकलते हो, पर आज आप लोग 15 मिनट पहले निकले, तो भाई इस 8:45 में से 15 मिनट घटाओ, कितना हुआ 8:30। तो उसने क्या कहा पता है, कि जब आम तौर पर आप निकलते हो ना, उससे आप 15 मिनट पहले कहीं बाहर निकल रहे हो और आप स्टेशन पर पहुंच रहे हो 8:40 पर, और स्टेशन से घर तक की दूरी कितनी है 10 मिनट की, तो अगर आप 8:40 में से 10 मिनट घटा दो तो आज कितनी बजे निकले थे आप, 8:30 बजे पर, डेली कितनी बजे निकलते हो 8:45 पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, आप अगर ध्यान से उसको देखोगे समझोगे तो आ जाएगा। आ गया सर समझ में, वेरी गुड। चलिए ये करते हैं, ए कॉपीराइट एन,
कॉपीराइट का मतलब बताया है पी या तो क्यू से छोटा या बराबर, मतलब आगे वाला बंदा पीछे वाले बंदे से या तो छोटा या बराबर। स्टार का मतलब हो जाएगा आगे वाला पीछे वाले से छोटा, आगे वाला पीछे वाले से क्या हो जाएगा केवल छोटा। और डॉलर का मतलब हो जाएगा ना तो बड़ा ना छोटा, यार कोई किसी बंदे से ना बड़ा है ना छोटा है तो क्या होता है बराबर होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, निष्कर्ष निकाल लीजिएगा, निष्कर्ष आपके सामने है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज गणेश चतुर्थी है ना, तो आप लोग सभी अच्छे से आराम से गणेश चतुर्थी मनाना, आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी। ठीक है, आराम से जाना गणपति बाबा के दर्शन वर्शन करना। ठीक है, मैथ्स की क्लास आज नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, वो इवेंट बना हुआ उसको हटा देंगे। एट द रेट का मतलब क्या होगा, एट द रेट का मतलब होगा या तो बड़ा या बराबर। तो आगे वाला मतलब कि जे जो है वो एन पीछे वाले से या तो बड़ा या बराबर। अच्छा बड़ा ये छोटा बड़ा समझ में आता है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो बड़ा और जिसकी तरफ मुंह बंद हो वो छोटा। बड़ा इजी है करना, बड़ा मजा आएगा, आप खुद बहुत मजे से करोगे इन क्वेश्चन को। कॉपीराइट का मतलब क्या है, अच्छा कॉपीराइट तो हमने लगाया था, ये रहा पहला वाला सिंबल, तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, आपको एक बार ढूंढना है, बाकी तो आप देख देख के लगा लीजिए। ये बनेगा आपका, ये आपका कथन बना, ये आपके निष्कर्ष बने, जरा देखो चेक करो क्या सही है। और जीके की सर होगी या नहीं, जीके की होगी, विशाल सर से पूछ लेंगे। ठीक है चलिए बता देंगे। फिलहाल ये देखिए आप, जे एन से बड़ा और बराबर है, क्या ये जे जो है क्यू बराबर जे है, तो जे बराबर क्यू लिख सकते हो आप। जे जो है वो एन से बड़ा और बराबर, क्या आप कह सकते हो कि एन से ये बड़ा और बराबर है जे, आप कहोगे नहीं सर केवल बड़ा लग रहा है, बराबर कहाँ है बेचारा गलत। फिर यहां देखा तो ए से बड़ा और बराबर एन, आप देखो ए से बड़ा और बराबर एन, हाँ जी बिल्कुल दूसरा वाला सही है, तो केवल सेकेंड वाला निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है, केवल सेकेंड वाला फॉलो करता है फर्स्ट वाला नहीं करता है। ठीक है बाबा, चलो अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। लाइक कर दिया मेरे दोस्त सभी लोगों ने, नहीं लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो यार दोस्त। कहां पर वी था मेरे दोस्त, अच्छा मैंने एन लिख दिया, सॉरी यार फिर तो मुझसे गलती हो गई, वी लिख देते हैं कोई बात नहीं। तो नहीं दोस्त यहाँ एन ही रहने दो यार, ये वी तो, अच्छा वी भी है ना हमारे क्वेश्चन में, ओहो हो 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 हो, चलो 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 मैंने कुछ लेटर गलत लिखे, एन के बाद यहाँ आ जाएगा ये वी और यहाँ आ जाएगा ये जे, यहाँ वी आएगा जे नहीं आएगा, यहाँ क्यू लिख दिया था मैंने, एक अलग से एक वेरिएबल ले लिया था, कोई बात नहीं। ए कॉपीराइट वी का मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉपीराइट वी का मतलब ए से बड़ा और बराबर है वी, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, ए से बड़ा और बराबर है वी, आप कहेंगे सर वी जो है वो ए से बड़ा तो है पर बराबर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा फिर तो, फिर तो दोनों ही गलत, और अगर दोनों ही गलत तो भैया ना निष्कर्ष पहला ना दूसरा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चार होगा। ठीक है, मैंने यहां पर शायद क्यू लिख दिया था उसके कारण हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, अब सही है, पांचवा आएगा चौथा आएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है चलिए ये वाला कीजिएगा, पुलिस सजा अपराध न्याय और निर्णय, कौन सा यहां पर अरेंजमेंट आप सही बताएंगे। सर वी को भूल गए, अरे वी को कैसे भूल सकते हैं, आप लोग हैं तो सही याद दिलाने के लिए, कैसे भूल सकते हैं हम वी को, अब ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या होगा, पुलिस सजा अपराध न्याय या निर्णय, क्या होगा इन सब में सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, हमेशा हम बढ़ते क्रम में चलेंगे, अगर बढ़ते क्रम में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में नहीं है तो भैया उसका अपोजिट कर दो, घटते क्रम में मिल जाएगा। चलो सबसे पहले अपराध होना चाहिए, अपराध होगा तभी तो वहां अपराध होने पर पुलिस पहुंचेगी, पुलिस पहुंचेगी तभी तो वो न्यायालय के सामने न्यायालय ले जाएगी, न्यायालय ले जाएगी तभी तो वहां न्यायाधीश जो है वो निर्णय लेंगे, और निर्णय लेंगे तभी तो सजा देंगे। तो 31452 ऑप्शन नंबर तीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले अपराध होगा पुलिस आएगी न्यायालय जाएगी निर्णय होगा सजा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ वयस्क लड़के हैं और कुछ लड़के वृद्ध हैं, ये वाला बताएं,
सबसे लास्ट में सजा, वेरी गुड। कुछ वयस्क लड़के हैं और कुछ लड़के वृद्ध हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बनाए, कुछ वयस्क, कल शायद इस टाइप का एक क्वेश्चन था, वो शायद हमने एक ऑप्शन को शायद सही किया था या गलत किया था, ऐसा कुछ था, उसको मैं करवा दूंगा फिर कभी। कुछ लड़के वृद्ध हैं, कुछ वयस्क लड़के हैं, कुछ वयस्क लड़के हैं और कुछ लड़के वृद्ध हैं, तो कुछ बनाए। अगर आप निष्कर्ष को ध्यान से देखें तो कुछ वयस्क वृद्ध नहीं है और कुछ लड़के वृद्ध नहीं है, दोनों की दोनों निष्कर्ष दो हैं, वो दोनों ही आपको कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब रिप्लेसमेंट करते हैं हम, और रिप्लेसमेंट करके हम क्या करते हैं, इनको सभी में चेंज करते हैं। मतलब जो पॉजिटिव है उसको, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव। ऑल में इसको क्या पढ़ोगे, कुछ वयस्क वृद्ध नहीं है, इसको पढ़ोगे सभी वयस्क वृद्ध हैं। क्या सारे के सारे वयस्क को आप वृद्ध में बिठा सकते हो? बिल्कुल बिठा सकते हो, कोई मना करने वाला नहीं है। वयस्क को लो और वृद्ध में बिठा दो, यहां बिठा दो, क्या दिक्कत है, यहां बिठा सकते हो। मतलब अगर आप रिप्लेसमेंट के बाद, अगर आप रिप्लेसमेंट के बाद सही हो तो पहले गलत, समझने की कोशिश करना। कुछ लड़के वृद्ध नहीं है, फिर से आ गया कुछ नहीं, रिप्लेसमेंट किसके साथ होगा, कुछ है लिखा है ना, तो कुछ का रिप्लेसमेंट सभी के साथ। सभी लड़के वृद्ध हैं, सारे के सारे लड़के वृद्ध हैं, ऐसा कर सकते हो भाई? कई क्यों नहीं कर सकते, सारे के सारे लड़के वृद्ध हैं कर दो, और वयस्क को इधर कसका दो, तो ये भी आप बाद में कर सकते हो, तो पहले गलत। मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे, ना पहला ना दूसरा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कल भी सेम क्वेश्चन था, शायद हमने पढ़ने में गलती कर दी थी या पता नहीं कुछ हुआ था। मेरे पास एक मैसेज आया था बाद में, हालांकि उन ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? नाइदर नोर, अच्छा नाइदर नोर था, तो क्या हम आइदर और की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? किसी ने तो सोचा होगा कि सर नाइदर नोर है तो आइदर और भी लगाते हैं, पर ध्यान रखना जब दोनों सेंटेंस आपके नेगेटिव थे, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, और साथ ही साथ ना दोनों कुछ कुछ वाले थे, तो कुछ नेगेटिव ये आइदर और कभी नहीं बनता, ठीक है, और वेरिएबल एलिमेंट भी सेम नहीं थे, ठीक है, ओके। ये वाला करें, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आया आपके सामने, बताएं भैया कितने लोग आज इस बात को मानते हैं कि क्या संसदीय विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए? क्या बताएं कि संसदीय या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऊपरी आयु, अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए? निष्कर्ष देखिएगा, हाँ आमतौर पर 65 वर्ष से ऊपर के लोगों या ऊपर के लोग अपना उत्साह और इच्छा शक्ति खो देते हैं, और दूसरा है कि नहीं, जीवन अवधि इतनी बढ़ गई है कि लोग 80 वर्ष तक भी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जो लोग बता रहे हैं सर नन ऑफ दिस, ना तो पहला नहीं दूसरा, दोनों गलत। पता है क्यों? क्योंकि इसने कहा कि क्या हमारी जो चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष सीमित कर देनी चाहिए, तो ये निष्कर्ष क्या बता रहा है? हाँ सर कर दो, क्योंकि आमतौर पर 65 वर्ष से ऊपर के लोग अपना उत्साह और इच्छा शक्ति खो देते हैं। क्या सही कह रहा है? अरे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो दादाजी हैं या हमारे जो पापा हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर की है, आप में से किसी के दादाजी या पापा होंगे, तो भाई क्या उनके इच्छा शक्ति या उत्साह नहीं है उनमें? उनमें कुछ नया करने का, कुछ नया बदलने का नहीं होता है, मन कुछ करने की इच्छा नहीं होती है? मोदी जी को देख लीजिए। पर सेकेंड है कि नहीं, जीवन अवधि इतनी बढ़ गई है कि लोग 80 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते भाई किसी की उम्र से किसी के शारीरिक और मानसिक रूप का आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते, ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे कथन को, इसलिए दोनों को गलत कर दें और आगे बढ़ें। आजकल ये सेकंड वाला तो गलत ही था, 65 साल तक तो भाई जी ले, वही बड़ी बात है। क्यों? दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गिने, बताएं टोटल वर्ग कितना होगा? आज का बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आज का ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा, वर्ग काउंट करना, बताएं। आज गलती ना करें और तुक्का बिल्कुल ना लगाएं। ऑप्शन हैं 6, 7, 9 और 10।
गुरु जी सुनिए, तो सारे लड़के को वृद्ध नहीं कह सकते ना गुरु जी? चाउमीन जी कर सकते हैं, हम रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं, सारे लड़के को वृद्ध कर दिए। देखिए एक बात समझना, एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, सारे के सारे ए बी हैं, ये निष्कर्ष है, सॉरी ये कथन है। तो आप यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, पता है आप लोगों को, कुछ ए बी है, कुछ ए बी, कभी निकाला ऐसा निष्कर्ष? कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ये निष्कर्ष निकाला है कभी आपने? कुछ बी ए है, सभी ए बी है, सभी ए बी, ये निष्कर्ष निकाले इतने सारे? ये जब मैं कह दूं कि सारे के सारे ए अगर बी हैं, तो ये तीन निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ये तीन तो हम निकाल सकते हैं, समझ रहे हो आप बात को? तो अगर आप वहां ध्यान से देखोगे तो आप यही निष्कर्ष निकालोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करें यार, यहां पर भी तुक्के लगा दिए, कोई बता रहा है छह, कोई बता रहा है नौ, कोई बता रहा है दस, एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है ना दोस्त, दस नौ या छह, करें सॉल्व। अरे वर्ग निकालना तो बड़ा आसान था मेरे मित्र, वर्ग निकालना इतना आसान है कि जितने बॉक्स उतने नंबर लिख लो रो में, और जितने बॉक्स उतने नंबर लिख लो कॉलम में, और क्या करो भाई, हाईएस्ट नंबर यहाँ का ले लो, हाईएस्ट नंबर यहाँ का ले लो, थ्री मल्टीप्लाई टू, एक एक कम करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, बस एक आ जाए तो रुक जाना, क्योंकि एक में से अगर एक घटा दोगे तो जीरो, और किसी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई जीरो कहलाता है। तीन दुआ छः और दो एकम दो, टोटल कितने हो गए, जोड़ दो छः और दो आठ, भाई हमारे आठ आठ स्क्वायर तो फिक्स्ड हो गए, आठ स्क्वायर तो फिक्स्ड हो गए, और नौवा स्क्वायर आपका ये रहा। हल्की सी अपने गर्दन को रोटेट करें 45 डिग्री, देखो ये हल्की सी ऐसे करके घुमाओ, एक स्क्वायर मिला आपको, भाई आठ के बाद अगर एक और जोड़ दोगे तो कौन सा मिलेगा, नौ नंबर का, और नौ ही तो है टोटल। दस बताने वाले कहां से लाए आप एक्स्ट्रा बताएं, दस नहीं है दोस्त, नौ ही है, मेरा तो भाई दस से ऊपर आ रहा है। अरे भाई सिर्फ वर्ग निकालने आयत मत निकालने के लिए जाओ, सिर्फ वर्ग निकालो, वर्ग कैसे निकालते हैं देखो, समझना, वर्ग बताता हूं, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है, उसके बाद सातवां कौन सा होगा बताए, ये वाला बड़ा वाला, एक दो चार और पांच से मिलकर सात के बाद ये हो जाएगा आपका आठवां, ठीक है, और उसके बाद पूरा वाला थोड़ी होगा, पूरा वाला तो रेक्टेंगल है, पूरा वाला नहीं होगा भाई, ये वाला होगा, ये वाला स्क्वायर, मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, बड़ा वाला तो रेक्टेंगल है आप उसको जोड़ रहे हो, यही तो गलती हुई हमसे। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और देखते रहो परफेक्शन, ऐसे ही कहते हैं ना कपिल भाई। सर एक बात बता दो प्लीज कि एमपी पुलिस में कुछ वाला राइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते रवि जी, नहीं कर सकते। देखो मैं कहूं ये एमपी पुलिस के ना एग्जाम के बहुत ज्यादा चोचले हैं, ये क्या करता है पता है, इसके सारे पेपर्स उठा के देखना, 2016 के भी 2017 के भी, और मैं तो कहता हूं किसी एक वर्ष के भी सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन अगर एक जैसे लेते हो ना, तो इसने कुछ क्वेश्चन में कुछ वाले को सही कर दिया, कुछ वाले को गलत कर दिया, पर ज्यादातर संख्या कुछ वाले को गलत करके रखी, इसलिए मैं बता रहा हूं कुछ वाले को गलत कर दिया। चलिए ये वाला बताएं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं कि ये वाली आकृति कहां दिख रही है। हिंदी की क्लास कब होती है सर? हिंदी की क्लास दोस्त सुबह 8 बजे होती है, हिंदी की क्लास सुबह 8 बजे होती है, करंट अफेयर की क्लास आपकी 7 बजे होती है, जो कि अगले संडे के बाद आपकी वीकली हो जाएगी, हर वीक में संडे 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 को होगी, ठीक है, तो आप लोगों को एक पूरे वीक का संडे के दिन मैम पढ़ा देंगे। और हमारी जो साइंस की क्लास है, जो आपकी एसएससी जेडी और एमपी पुलिस दोनों के लिए स्पेशल क्लास, सुबह 9 बजे स्टार्ट कर दी गई है कल से, ठीक है। रीजनिंग की आप देख ही रहे हो 6:30 से 7:30, आज हमने 7:45 बजे स्टार्ट की थी, इसलिए 7:45 तक का तो बनता है भाई। और रात 8 बजे से मैथ्स की क्लास, जो कि आज आपकी नहीं होगी, आज गणेश चतुर्थी है तो आप आराम से गणपति जी के दर्शन कीजिए, रात को 9 बजे वाली क्लास आपकी हो सकती है, अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई विशाल सर की तरफ से, नहीं आई है मतलब होगी, ठीक है। चलो बताया किसी ने, वेरी गुड, बहुत कम लोग थे जिन्होंने बाद में जाके अपना आंसर चेंज किया, ऑप्शन नंबर ए, दादा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इस आकृति को ही घुमा दिया पता है इन लोगों ने, देखो यहां से ये वाली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये देखना ये वाली लाइन इतनी सी, फिर हल्का सा ये नीचे की तरफ घुमा, फिर नीचे की तरफ, फिर इधर और फिर इधर,
ये यहाँ पर घुमाएं, ये इधर 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 इधर, और ये देखिए ये की सेम आकृति है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। हमने सबसे पहले डी बताया था, ईमानदारी से बताना, डी बताया था ना आप लोगों ने। नेक्स्ट देखो, 04639796-12 लिख देता हूं मैं, 04637-96-12। वेरी गुड प्रिया जी, बस भी करो सर, अब पूजा करनी है गणेश जी की। अरे बिल्कुल गणेश जी की पूजा कीजिए, मना कौन कर रहा है। चलो ये वाला बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पूरी आकृति तो बता दी यार सागर जी, अब क्या समझ में नहीं आया, पूरी आकृति तो बना के बता दी, ऐसे 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 करके आएगी। देखो जीरो से अगर आप तीन पर जाते हो, यहाँ अल्टरनेट भी नहीं, दो दो लेटर को बीच में छोड़ो, जीरो और तीन के बीच में तीन का अंतर है, फिर अगर अगला नंबर देखो तो तीन का अंतर, फिर अगर आप देखो तो चार और सात के बीच में तीन का अंतर, और सात से अगला नंबर तीन का अंतर आएगा, सात और तीन दस आया। एक और अंतर देखते हैं, छह से अगर आप नौ के बीच का अंतर देखें तो तीन, और नौ से अगर आप बारह के बीच का अंतर देखें तो तीन। तो करेक्ट आंसर टेन होगा, करेक्ट आंसर हमारा टेन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 33333 का आपका यहाँ पर दो दो संख्या बीच में छोड़ दो तो उनका गेप चल रहा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आकृति को देखिए और फोल्ड करिए। सभी लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया दोस्त, क्या दुश्मनी क्या है, लाइक कर दो ना यार। चलिए करें इसको सॉल्व। एक देखिए, एक दो तीन चार पांच और छह, भैया एक छह भुजा वाली आकृति थी जिसको ना नीचे से इस प्रकार से टर्न किया गया, फिर ऊपर से इस प्रकार से टर्न किया गया, और फिर ये वाली जो बीच वाली आकृति है इसको एक एक बार खोलेंगे हम। यहाँ पर इतने सारे गोले बनाए गए, कट किए गए, जब एक बार इसको इस साइड खोलेंगे तो ये दोनों गोले जो हैं सिर्फ और सिर्फ ये दो गोले ही बनेंगे, बाकी और कहीं भी आपकी आकृति नहीं, क्योंकि जब ये अंदर टर्न हुआ था तो इतना इतना भाग ही लिया था इसने, तो बाहर खुलते समय इतना इतना भाग। और अगर सिर्फ इन दो गोले को ही देख ले तो यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। और जब नीचे वाली आकृति को आप ओपन करेंगे तो ये तीन डॉट जो है वो बिल्कुल एज इट इज बनेंगे कुछ इस प्रकार से, और ये एक डॉट जो है ये दूर चला जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखें तो क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये डॉट जो दूर वाला डॉट था ये बनेगा क्या, आखिरकार वो डॉट बनेगा? अगर आप देखें तो ये डॉट आपका नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर की तरफ जब मूवमेंट हुआ था तो बाहर की तरफ वो डॉट के साथ कोई संपर्क ही नहीं था, और जब ये संपर्क नहीं था तो ये डॉट वोट आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये तो सदा बाहर गलत। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा भाई, आई बात समझ में, बने रहने दो, ये डॉट हटा देते। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोग जाइए सभी, गणेश जी की पूजा वूजा कीजिएगा। प्रकाश को सुबह कहा जाए, सुबह को अंधेरा कहा जाए, अंधेरे को रात कहा जाए, और रात को धूप कहा जाए, धूप को शाम कहा जाए, तो हम कब सोते हैं? कोई दिन में सोने वाला तो नहीं है, हम कब सोते हैं? हम सोते हैं भैया रात में, और रात में हम सोते हैं, बट रात को तो धूप कहा गया है, तो करेक्ट आंसर आ गया धूप। हम कब सोते हैं? धूप में। करेक्ट आंसर क्या आएगा? धूप आएगा, ठीक है। करें आज की क्लास को फिनिश। चलिए तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आराम से आप गणपति जी का उत्सव जो है मनाइए, धूमधाम से शोर मचाइए, बिठाइए उनको, विराजमान करवाइए, नाचिए गाइए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं विश्राम देंगे, थैंक यू वेरी मच, और बाकी की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन में कल करवा दूंगा। याद रखिएगा कल हमारी क्लास बिल्कुल शार्प 6:30 से 7:30 चलेगी, ठीक है, बिल्कुल टाइम टू टाइम। चलिए बाकी सारी क्लासेस भी कल कंटिन्यू होगी, जीके की क्लास आज हो सकती है 9 बजे से, बाकी मैथ्स की क्लास आज नहीं होगी। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिल जाएंगे, जिन लोगों को जिस किसी बैच के बारे में जानकारी चाहिए वो दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। आपको हर एक स्लाइड में नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद, सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल।